बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रायपुर बूढ़ा तालाब धरना स्थल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का किया पुतला दहन। राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया, जिसे लेकर ऋषि मिश्रा बजरंग दल कार्यकर्ता ने मीडिया से बातचीत करते बताया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर एयरपोर्ट में मीडिया से बातचीत करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का अपमान किया था और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गुंडा कहा था, जिसे लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए रायपुर बूढ़ा तालाब धरना स्थल में उनका पुतला दहन किया गया। छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का यहाँ पे पुतला दहन किया है और बजरंग दल के कार्यकर्ता ये चेतावनी दिए हैं कि आपने जो बयानबाजी की है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ में अवैध वसूली कर रहे हैं, ये वसूली आपके मुंह से बोलना अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि पूरी छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि किस तरह इन 3.5 सालों में आपने त्रा त्रा कर दिया है। विकास के नाम से कोई भी कुछ काम नहीं, और हिंदू विरोधी, चाहे धर्मांतरण हो चाहे लव जिहाद हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये व्यवहार अभी कुछ दिनों से जो दिख रहा है, ये मान के चलिए कि जो ये उत्तर प्रदेश की भ्रमण में है हमारे वहाँ बजरंग दल के कार्यकर्ता, उनका स्वागत और भगत बहुत अच्छे से किए हैं। तभी ये तो दिख रही है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता इस टाइप का व्यवहार कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी विकृत मानसिकता दिखाती है। और जो बजरंग दल के कार्यकर्ता सेवा के काम करते हैं, चाहे गौ तस्करी हो और सेवाओं के नाम से, चाहे हॉस्पिटल चला रहे हो, चाहे भोजनालय चला रहे हो, यहाँ तक सिलाई मशीन, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता, संस्कार केंद्र तक, ऐसे सेवाओं का काम करने वाला बजरंग दल आपको कहीं ना कहीं जो सेवा हिंदुओं का काम आगे बढ़ रहा है, आपकी सरकार खसकती हुई दिख रही है, इसलिए आप मानसिकता विचलित हो रहे हैं। आप ये मान के चले बजरंग दल का कार्यकर्ता गौ तस्करी का विरोध करता था और करेगा, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पे आपकी सरकार को झुका के रहेगा भूपेश जी। करो वीर बजरंगे।